नमस्कार, स्पेशल आर्ट 11 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज स्पेशल आर्ट 11 में एक ऐसा मुद्दा हमने उठाया है, एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा है जिस तस्वीर को देखने के बाद बहुत से गंभीर सवाल आपके जहन में उठेंगे। अक्सर आपने बेटों की चाह में बेटियों को दरकिनार होते देखा होगा, लेकिन आज आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जो ये कहती है कि वो बेटा पैदा होने की दवाई तो देती है, और चौंकने वाली बात यह है कि वो ये भी दावा करती है कि अगर पेट में बेटी है तो अपनी दवाई के जरिए उस बेटी को वो बेटे में बदल देगी। जिस जमी से प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का आगाज किया, उसी जमी पर उस अभियान को ठेंगा दिखाती प्रधानमंत्री की उस मंशा को शर्मसार करती कुछ तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें ऐसी जो हर हरियाणा वासी का सर शर्म से झुका दे। अरे ताई, दवाई कौन सी है? ये तो दवाई वैसे पेट की है। पेट की? हाँ। कितने कितने रुपए में पेट की दवाई? की दवाई कितने पैसे हैं? बंद पैसे बिन देखे कितने? गिन 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 के बता। गिन लो कितने? गिन ले कितने? कोई बात नहीं। दवाई कहाँ है? ये वो कड़वी सच्चाई है जिसे भरे मंच पर मानने और सुनने की हिम्मत शायद ही कोई करे। जिस छवि को सुधारने की हरियाणा ने हर चंद कोशिश की है, इस महिला जैसे ढोंगी लोगों ने उस कोशिश को धूमिल किया है। और इस महिला ने तो इतना किया है कि ये सिर्फ बेटा पैदा होने की दवाई नहीं दे रही थी, बल्कि ये गर्भ में लड़की को लड़के में तब्दील कर देने का दावा कर रही थी। ये स्वास्थ्य विभाग को कुछ सूचना मिल रही थी कि सुढौरा और उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ व्यक्ति जो हैं वो लड़का होने की या लड़की से लड़का बदलने की इस तरीके की दवाई देने का घिनौना कार्य कर रहे हैं। दरअसल ये महिला गर्भ में लड़की से लड़का बनाने की दवा दे रही थी। ये महिला राह चलते ही लोगों को ये दवा देती थी। महिला पूरी तरह अनपढ़ है और उसने ये काम अपनी सास के बाद संभाला। पहले उसकी सास ये दवाई दिया करती थी। लड़की को लड़के में तब्दील करने का ये पहला मामला सामने आया। डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसे हालातों में गर्भ में पल रहे बच्चे को भी काफी खतरा होता है। बच्चे के लिंग की प्रक्रिया में पुरुष का जो मेन हाथ रहता है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम का सारा महत्व होता है, और वो बच्चे के गर्भ में आने से पहले ही निर्धारित हो जाता है कि ये लड़का होगा या लड़की होगा। कोई दवाई ऐसी नहीं बनी जिससे कि वो उसका बाद में उसको लिंग को चेंज बदल सके। सिर्फ ये दवाइयां जो हैं प्रथम अगर इसमें ट्राइमेस्टर में ली जाती हैं तो बच्चों के जो बन रहे अंगों पर दुष्प्रभाव डालती हैं और दिमाग और उसके कई बार शरीर के कई अंग नहीं बन पाते। ये ग्रो नहीं है असल में, जब जिस तरह जैसे जैसे स्वास्थ्य विभाग का दबाव बनता है तो पढ़े लिखे लोग भी इस जाल में फंस जाते हैं। भले ही हरियाणा की बेटियों ने दुनिया में नाम कमाया हो,
लेकिन बेटियों के वजूद को लेकर हरियाणा पहले से ही सवालों के घेरे में रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करके हरियाणा को एक नई पहचान दी थी, जिससे इस महिला जैसे लोग धूमिल करने में लगे हैं, जिन पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है और आप इतने अंधविश्वास में डूबे हैं कि इन महिलाओं पर विश्वास करके अपनी सेहत के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे, साथ ही साथ जो बच्चा होने वाला है, जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, उसके ऊपर भी बहुत सी मुसीबतें आप खुद डाल रहे हैं। हरीश कोहली हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। हरीश, कैसे ये पूरी कार्रवाई की गई, जो स्टिंग सामने आया कैसे कार्रवाई की और इस महिला के बारे में पता लगा? जी, ये स्वास्थ्य विभाग को काफी समय से सूचनाएं मिल रही थी कि सढोरा के गांव में एक महिला जो है गर्भ में पड़ रहे बच्चों को जो है लिंग जब परिवर्तन करने में का दवाई देती है। लेकिन जब इस स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में एक टीम का गठन किया और एक नकली डिकॉय बनाकर एक महिला के पास भेजा, तो वहां पर महिला का दावा था कि ये गर्भ में पड़ रहे बच्चे की जो है कन्या भ्रूण जो कन्या है उसको ये लिंग परिवर्तित करके अपनी दवाई के साथ उसको मेल में परिवर्तन कर सकती है। जी हरीश, क्या एक्शन इस महिला के खिलाफ अब लिया जाएगा? जी फिलहाल जो है महिला को जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपनी हिरासत में ले लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश आपका। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय दहिया भी फोन लाइन पर हैं। डॉक्टर विजय, आपसे मैं कुछ टेक्निकलिटीज यहाँ पर समझना चाहूंगी। क्या ये पॉसिबल है, एक भ्रूण में पेट में जो बच्चा है क्या उसको कन्वर्ट कर दिया जा सकता है? अगर बेटी है तो क्या वो बेटा बन जा सकता है? बिल्कुल नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। और ये सिर्फ एक अफवाह है जो ये लोग इस तरीके का फायदा उठाते हैं। ये कहते हैं कि दो महीने के पहले अगर बच्चा है, दो महीने से पहले अगर हम दवाई दे दें उस बच्चे को गर्भ में पल रहे, तो उसका जो है वो सेक्स परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, लड़की से लड़का बदल जाता है। जी, और इस तरीके की कोई मेडिसिन, क्योंकि ये बच्चे के गर्भ में आने से पहले ही जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है वो डिसाइड कर देता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, इसमें कोई बाद में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। नुकसान ये होता है इन चीजों का कि जो गर्भ में पल रहे बच्चे के अंग बन रहे होते हैं उस पर कई तरीके की दवाइयां असर कर जाती हैं, और वो जो है अभी पीछे भी हमारे यहाँ हुआ है कि सिर नहीं बनता, कई बार शरीर के कुछ अंग नहीं बनते, तो विकृत अंग वाले बच्चे पैदा होते हैं। सिर्फ ये नुकसान होता है और सेक्स बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हो सकता। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी जिससे कि ऐसा हो सके। तो दर्शकों को मैं ये बता दूं, यहाँ पर डॉक्टर विजय दहिया साफ कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो एक बच्चे को पेट में बदल दे। अगर पेट में बच्ची है तो वो बच्ची ही रहेगी, बेटा नहीं बन जाएगा। डॉक्टर विजय, क्या समाज को इसमें सोचने की जरूरत है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बेटों की चाह हर कोई रखता है और उसी चाह में ऐसे ढोंगी लोगों के जाल में हम लोग फंसते हैं और ये लोग अपना काम ऐसे लोगों के दम पर ही चला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है मैडम, और लोगों को समझना चाहिए कि आज जो है प्रतिभा के क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से आगे जा रही हैं। हर क्षेत्र में लड़कियां आगे, उनको एक समाज में एक जगह चाहिए, अपनी जगह लड़कियां खुद बना रही हैं। तो इस जो ये धारणा चल रही है कि लड़की जरूरी है, इसकी कोई आज के दिन में आवश्यकता नहीं है। और ये तो जो काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर या जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर दबाव बनता है, तो इन नीम हकीमों के चक्रों में लोग फंसते हैं और वो इस तरीके की दवाई लेते हैं। या तो वो कहते हैं कि गर्भ में जो पहले ही दवाई लेते हैं कि सिर्फ लड़का ही होगा, और अब जो प्रचलन ये चल पड़ा है कि लड़की अगर हो भी गई है तो उसको लड़के में कन्वर्ट कर किया जा सकता है। लेकिन तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई साइंस टेक्निक इस तरीके की किसी भी तरीके से संभव नहीं है। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर विजय के बताया। डॉक्टर विजय, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पे समझना चाहूंगी, आप ये कह रहे थे कि हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि विपरीत असर पड़ते हैं ऐसी दवाइयों को लेने से। ये जो लोग ना जाने क्या चूर्ण देते हैं, क्या पाउडर देते हैं, कौन सी दवाइयां देते हैं, अनपढ़ ये होते हैं, इनको किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं होती, कुछ भी ये दे देते हैं और कह देते हैं कि ये बेटा आपका होगा इससे, या फिर आपकी जो पेट में बच्चा है वो बेटे में तब्दील हो जाएगा। कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी हेल्थ पर ये डालती है दवाइयां। मैडम, ये
की जो दवाइयाँ ये दी जाती हैं, इससे हमारे, मैंने जैसे पहले बताया, अभी पीछे हमारे पास एक डिलीवरी हुई है, उसका सिर ही नहीं बना हुआ, यानी कि पूरा का पूरा सिर उसका नहीं बना, एनन कफेरी उसको बोलते हैं। हाँ। और एक कई बार जो है शरीर की अंग लिम्ब्स नहीं बनते, फोकोमेलिया उसको बोलते हैं। हाँ। और शरीर का जो कई बार जो हमारा अंग, जो शरीर के बाकी भी शरीर के अंदर के अंग, जरूरी अंग है, वो भी विकृत रूप में बनते हैं। तो डॉक्टर मुझे क्या, जो आपने जैसा कि अभी दो मामलों का जिक्र किया, क्या ये पेशेंट्स कोई दवाई ले रहे थे किसी किस्म की, जिनकी जो मैंने जिक्र किया? हाँ। हमने उससे विस्तार से पूछा था, हालांकि उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने हिंट हमें दिया था कि उन्होंने पहले तिमाही में दवाइयां ली थी। तो मतलब इन जाल से बाहर आना होगा। डॉक्टर विजय, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ वकील रेनू दी भी फोन लाइन पर हैं। और रेनू जी, आपसे सीधा सवाल ये, जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाज को अंधेरे में धकेल रहे हैं और अंधविश्वास का जाल बुन रहे हैं हमारे समाज में, इन लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई हमारे कानून में है? बिल्कुल, कानून में इसके लिए बहुत स्पष्ट कार्रवाई है। वैसे तो ये सीधे आईपीसी धोखाधड़ी का भी इनके ऊपर केस चलाया जा सकता है, एफआईआर लिखी जाती है, और वो भी सुओ मोटो एफआईआर पुलिस के द्वारा लिखी जा सकती है, जिस भी संबंधित थाना क्षेत्र में ये महिला ये प्रैक्टिस करती पाई गई। हाँ। दूसरी चीज है, मेडिकल प्रैक्टिस में हमारे यहाँ पे रेगुलेशन एक्ट है, जिसमें इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही विशिष्ट प्रावधान है। हाँ। अलावा इसके प्रति एक और एक्ट है जो अंधविश्वास फैलाने से रोकता है लोगों को, लेकिन समस्या ये है कि इस तरह के लोगों को बहुत आसानी से जमानत मिल जाती है, और जिसका कि इन्हें, इनका मनोबल बढ़ा रहता है। जरूरत इस बात की है कि इस तरह लोगों से बचने के लिए, एक तो महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में, हमारे पूरे समाज में आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ अगर भ्रूण अवस्था में की जा रही है, तो वो बिल्कुल, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये स्वयं पीएनडीटी एक्ट का भी मजाक है। बिल्कुल रेनू जी, तो क्या वो पेरेंट्स जो जा रहे हैं ऐसे ढोंगी लोगों के पास, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई बनती है? अनफॉर्चुनेटली कार्रवाई बिल्कुल पीसीपीएनडीटी एक्ट का अगर हम उठा के, तो हाँ बनती है, क्योंकि हाँ। ये भी एक तरीके से प्रेगनेंसी में, भ्रूणावस्था में लिंग के परीक्षण जैसा, लिंग परीक्षण करने जैसा या लिंग के ऊपर परीक्षण करने जैसा ही एक मामला बनता है, क्योंकि पेट में पल रहे बच्चे को। ठीक, रेनू जी अब हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, शायद रेनू जी से हमारा संपर्क टूट गया। डॉक्टर विजय, वापस मैं आपके पास आऊंगी, टेक्निकलिटीज का जिक्र मैं यहाँ पे रेनू जी के साथ कर रही थी, वो बता रही थी कि कानून सख्त है, लेकिन उसके बावजूद आखिर वजह क्या है, हालांकि जमानत बहुत जल्द हो जाती है ऐसे लोगों की, वो ये भी जिक्र कर रही थी। तो क्या अब जरूरत है, क्योंकि हम हमेशा जागरूकता की बात इस मामले में करते हैं, लेकिन वो जागरूकता कभी आती दिखाई देती नहीं है। हम भले ही ये कह दें कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे, लेकिन आज भी तमाम जो माँ बाप है वो चाहते हैं कि नहीं, हमारा बेटा तो होना चाहिए, बेटी हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा जरूर चाहिए। जी मैडम, कानून इस मामले में बिल्कुल सख्त है, और हमने इस महिला के ऊपर पीसीपीएनडीटी के साथ साथ 420 की भी कार्रवाई की, जो है एफआईआर पुलिस के थ्रू कराई है। हाँ। कार्रवाई होती है, लेकिन हमारा कानून थोड़ा सा इस मामले में लचीला है, वो जमानत जो है वो जल्दी हो जाती है, लेकिन कानून की पकड़ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। नहीं, लेकिन ये लोग, ये महिला इससे पहले ना जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना चुकी होगी। और ये भी मैं बता दूं आपको कि ये महिला इससे पहले इसकी सास ये काम किया करती थी, और अब ये बहू ये काम कर रही है, तो मतलब लोगों को ठगने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का ये सिलसिला पुराना है, नया नहीं है। मैडम बहुत जरूरी है आपके माध्यम से, क्योंकि आज जो ये टीवी के माध्यम से और चैनल्स के माध्यम से लोगों को सूचना मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से मिल रही है, और स्वास्थ्य विभाग जो काम कर रहा है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बुराई बहुत बहुत सालों से ये बुराई चल रही है, इसको बदलने में भी वक्त लगेगा, लेकिन बदलाव आ रहा है, लोग समझ रहे हैं। चलिए विजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए फोन लाइन पे, बदलाव आ रहा है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन समय कितना लगेगा, सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की मुझे लगती है कि अंधविश्वास से कम हम अपने आप को दूर करें, क्योंकि अगर हम इन अंधविश्वास की बेड़ियों से बाहर आएंगे, तभी शायद ऐसे लोग हमें ठगने का काम नहीं करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो, कुदरती एहसास हो।
फूंगा, a beating force in style. ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर बार मेरी जीरी थले डिग जाती थी या कोई बीमारी लग जाती थी। खादा दवाइयां बहुत ज्यादा मारते थे। पर इस साल मैं सरताज जिप्सम का प्रयोग किया है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अमर शहीदों की याद में 21 से 23 मार्च 2016 को हरियाणा में देश के सबसे बड़े भारत केसरी दंगल का आयोजन किया जा रहा है। फ्री स्टाइल कुश्ती के इस इनामी दंगल में विजेता पहलवान को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम, उप विजेता को मिलेगा 50 लाख का इनाम और तीसरे स्थान पर रहने वाले पहलवान को मिलेगा 25 लाख रुपए का इनाम। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस 3 दिवसीय इनामी दंगल का शुभारंभ 21 मार्च को हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी करेंगे और 23 मार्च को शहीदी दिवस पर पुरस्कार वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और दोनों कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे खेल मंत्री श्री अनिल विज। ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव हरियाणा में शाम 4 से 9 बजे तक होने वाले इस दंगल में आप सभी आमंत्रित हैं। कहीं नहीं हो रही आपकी सुनवाई, व्यवस्था से है परेशान, क्या आपको चाहिए कानूनी सलाह? तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम लीगल पॉइंट हर रविवार दोपहर 1 बजे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा, टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो, कोमल हो, कुदरती एहसास। रीवा, a beating force in style. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में। विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती है। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। We'll be right back.
इंडिया यानी कि भारत, और मेरे साथ इसी नाम से एक शख्स भारत कुमार इस वक्त मेरे साथ हैं खेल हरियाणा में। आज हम बात भारत कुमार की करेंगे जो कि भारत को बुलंदियों पर ले जाने की पूरी कोशिश में है और कई जगहों पर ले भी गए हैं। अंधविश्वास आखिर कब तक, ये सवाल स्पेशल एट 11 में आज हरियाणा न्यूज उठा रहा है, क्योंकि जो आपको इससे पहले रिपोर्ट दिखाई थी ब्रेक पर जाने से पहले, वो रिपोर्ट सब कुछ बता रही है कि किस तरीके से आज भी हमारे समाज में बेटों की चाह की वजह से बेटियों को या तो कोख में मार दिया जाता है। अगर आपके घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है, किसी बच्चे को जन्म देने वाली है, तो आप ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो आपके पेट में जो बच्चा है उसको बेटा बना दे। साइंटिफिकली ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि साइंस ये कहती है कि अगर पेट में जो बच्चा है उसको कभी भी, अगर बेटा है तो बेटी नहीं बनाया जा सकता, अगर बेटी है तो बेटा कभी भी बनाया नहीं जा सकता। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज में देखने की समझने की बेहद जरूरत है। अंधविश्वास में हम हैं और उस अंधविश्वास से बाहर हमें आना होगा। जब तक नहीं आएंगे तब तक यूं ही ये लोग हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। ओछी मानसिकता, बेटे बेटी में फर्क नहीं है हमारे समाज में ये कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई में हम इसको मानते हैं? क्या वाकई में हम ये समझते हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं है? कहने में तो ये बहुत अच्छा लगता है सबको, लेकिन जब अमल करने की बात आती है, जब अपने घर की बात आती है, तो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे घर में तो बेटा होना चाहिए। बेटियां ठीक हैं, बेटियां जो कर रही हैं अच्छा कर रही हैं, चांद तक पहुंच गई हैं, लेकिन हमें तो बेटा चाहिए अपने घर में। तो इस मानसिकता को जब तक बदला नहीं जाएगा, मुझे लगता है कि शायद ये तमाम जो परेशानियां बनी हुई हैं ये यूं ही बनती रहेंगी, और ऐसी जो महिलाएं हैं वो यूं ही आपको बेवकूफ बनाती रहेंगी। साइंस ये कहती है कि कोई भी आप दवाई खा लीजिए, जो आपके पेट में बच्चा है वो वही रहेगा, और ऐसी दवाइयां अगर आप लेंगे तो आप अपने आप को और परेशानियों में डाल सकते हैं, क्योंकि ये दवाइयां आपको और भी ज्यादा बीमार कर सकती हैं। आपके बच्चे की डेवलपमेंट सही तरीके से पेट में होती नहीं है, जैसा कि हमें डॉक्टर विजय ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे कि ऐसी दवाइयों का सेवन करने से बच्चा पूरे तरीके से डेवलप नहीं होता, यानी कि बच्चा पूरे तरीके से बनता नहीं है। 9 महीने बच्चा पेट में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, और वहां पर ही जो बच्चा 9 महीने बाद जब बनता है तो बच्चे की डिलीवरी होती है। लेकिन समाज की सोच बदल नहीं रही है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पूनम भटनागर जी फोन लाइन पर हैं। पूनम जी, हम अक्सर ये सुनते हैं, सब ये समाज में कहते हैं कि नहीं, बेटा बेटी बराबर हैं, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जब अपनी बात आती है तो हर कोई यही समझता है कि नहीं, हमारे घर में तो बेटा ही होना चाहिए, और उसी चाह में हम ऐसे गलत लोगों के जाल में फंसते हैं। देखिए, दिखावा एक बहुत बड़ी चीज है। हिंदुस्तान में जितना दिखावा है उतना आप शायद किसी समाज में नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग ऊपर से बोलते हैं कि हमें लड़कियां लड़कों में कोई अंतर नहीं महसूस करते, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा समाज अभी भी उसी धरे पे चल रहा है कि वो आज भी प्रेफर करता है कि लड़का सबसे पहले हो। और हैरानी की बात ये भी है मैडम कि जो महिलाएं हैं वही इस तरह का एटीट्यूड दिखाती है। अगर किसी महिला को लड़की पैदा हो जाती है तो वो अपने आप में ऐसा सा व्यवहार दिखाती है कि वो खुश नहीं है। हाँ। इसका मतलब तो आप समझ सकती हैं कि महिलाएं ही महिलाएं की एक दुश्मन बनती जा रही है। हम खुद ही नहीं चाहते कि हम किसी लड़की को जन्म दें। तो ये मानसिकता लड़कियों को बदलने की जरूरत है, औरतों को, महिलाओं को बदलने की जरूरत है, ना कि पुरुष वर्ग के फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आज आपके घर में आपका भाई है, आपके हस्बैंड है, या ससुर है, या जो जेठ है, वो कभी ये नहीं कहते कि आपने लड़की क्यों पैदा करी। सबसे ज्यादा जो आवाज उठेगी वो एक महिला के मुंह से उठेगी, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे ससुर हो सास हो, चाहे नंद हो, चाहे सिस्टर हो, तो सबसे पहल महिला ही करती है। तो महिलाओं को अपना एटीट्यूड बदलना, महिलाओं को एटीट्यूड बदलना होगा, पहल करनी होगी। बेहद शुक्रिया पूनम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कम से कम पूरे घर वालों को ये सोचना होगा कि बेटा बेटी में फर्क है नहीं, सोच को बदलिए। सोच को बदलने की बात हर बार कहते हैं, लेकिन सोच बदलते कभी हम है नहीं, और इसी वजह से अंधविश्वास का ये खेल बदस्तूर जा रही है। तो हरियाणा न्यूज की एक छोटी सी अपील इस कार्यक्रम के जरिए कि संभल जाइए, अब भी वक्त है। बेटों की चाह में बेटियों पर यूं कहर मत ढाइए, क्योंकि अगर आप बेटों की चाह रखते हैं तो बेटियों को दरकिनार तो करते ही, साथ ही साथ ऐसी दवाइयां लेकर ऐसे लोगों के जाल में फंसकर आप ना सिर्फ माँ के लिए बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं। इसी के साथ स्पेशल 8:11 में इतना ही। नमस्कार।